নানা সমস্যায় জড়িত বন্ধ কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ কালচিনি ও রায়মাটাঙের 3000 শ্রমিক পরিবারের জন্য কোনো সদর্থক উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, এমনকি বাগান খোলার জন্য প্রশাসন ভূমিকা উদ্যোগ নেয়নি। এই অভিযোগ তুলে বন্ধ কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকেরা কালচিনি বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হয় এবং কালচিনি বিডিওকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। শ্রমিকেরা জানান, আজ আমরা কোনো রাজনৈতিক ব্যানারের হয়ে আসিনি, আমরা বন্ধ চা বাগানের সমস্ত শ্রমিকেরা আজ এখানে জমায়েত হয়েছি আমাদের দাবি নিয়ে। जिस तरह से आज रायमाटांग और कालचीनी बागान का जो हालत है, ये हालत से सारे वाकिफ है, लेकिन आज तक वाकिफ होने के बावजूद भी आज तक किसी ने इनिशियल जो स्टेप लेना चाहिए था, एक इंसानियत के नाते, एक ट्रेड यूनियन के नाते या फिर एक श्रमिक के नाते लेना चाहिए था, जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने आज तक ये स्टेप को लिया नहीं। तो आज हम मजबूर होके, आज हम किसी ट्रेड को, किसी पार्टी को, हम किसी को दोष नहीं दे रहे और हमें उनसे कोई इस तरह की मतभेद नहीं है। हम भी कोई किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं और हम सभी पार्टी करने वाले ही हैं और हम आज तक उनके साथ चले हैं, लेकिन आज उन्होंने जो स्टेप नहीं लिया उससे हम अत्याचार होकर, दुखी होकर हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि एक आधिकारिक रूप में, एक कानून व्यवस्था के हिसाब से हम जाना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ आज बी डी ओ सर के पास आए और हमने अपने शिकायत जितने भी थे उन सारी चीज़ों को उनको हमने अवगत करा दिया है और उन्होंने जो आश्वासन हमें दिया है आगामी दिन में ये देखने वाला बात होगा कि उन्होंने कितना हमारे साथ प्रॉमिस किया। और आप लोगों का मुख्य शिकायत क्या था आज? हमारी मुख्य शिकायत ये है कि जो बगान आज विदाउट इंटीमेशन, कोई बिना जानकारी का पब्लिक को या फिर वर्कर को एक जानकारी देना चाहिए, एक लॉकआउट देने का भी एक नियम होता है ना, एक नोटिस होता है, नोटिस के बाद नोटिस होता है उसके बाद देना चाहिए, लेकिन सडनली उन्होंने लॉकआउट कर दिया और वो यहाँ से रन अवे हो गए, वो भाग गए। तो इस परिस्थिति में जब रायमाटांग की लेबर जब सुबह को उठे तो देखा कि ताला लगा हुआ, तो इस अवस्था में बहुत सारे दुख तकलीफ झेलना पड़ा। आज तक 3 महीने से ऊपर चला गया, आज तक मतलब एक कुछ भी सहूलियत नहीं है जो होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के लोग भूख से मर रहे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शोषित हो रहा। और जो बी डी ओ सर हमें गिनाया, जो उन्होंने जो सहूलियत सब दिया, जो उन्होंने बताया, वो सारी सहूलियत वहाँ पे ढंग से पहुँचा नहीं, यानी कि पूरा पूरा वहाँ से सहूलियत पहुँचा ही नहीं। तो वहाँ पे हेल्थ इशूज़ भी बहुत संबंधित बातें हैं जिनके बारे में उनको संज्ञान देना चाहिए था, या फिर जो हमारे आगे के जो सीनियर कैडर सब है उनको लेना चाहिए, उन्होंने भी आज तक इस तरह के विषय में रुचि नहीं रखा। तो आज हम एक आम जनता सब मिल के यहाँ पे आने का कारण तो यही था। तो हम यही चाहते कि आगामी दिन में हमारे बगान सुचारू रूप से खोले और कोई भी कैसे भी करके इसको खोल दे, क्योंकि वहाँ की जनता और श्रमिक वर्ग की भलाई होना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा इंसानियत की बात है। एज ए ह्यूमन बींग्स एवरीबडी शुड डू द बेटर थिंग। आप लोगों का आगामी कदम क्या है? आगामी कदम हम आगे की रणनीति हम बनाएंगे, क्या बनता है हम आपस में सलाह मशवरा करेंगे, हमारी और भी है लोग है उनके साथ हम बैठेंगे बातचीत करेंगे, आगे की निर्णय का नीति क्या बनता है उसके बाद ही हम कोई आगे के स्टेप लेने की हम एबिलिटी रखेंगे।